Hello friends, this is me Shali Malik. I'm here again for you. Actually, students requested me to make a video on Dreams essay by Thomas Brown. Actually, it's quite typical to understand this essay because we don't have any references on Google or any Wikipedia. So students are not able to get the idea how to what the writer want to say in this essay. So in On Dream was such a lovely or literary work of Thomas Brown. And Thomas Brown, first of all, we need to learn who is Thomas Brown. So Thomas Brown was an English polymath. Do you know what is polymath? Polymath is a person who knows various subjects, who knows various knowledge on various subjects. So alag-alag cheezon ka, alag-alag subjects ki knowledge rakhne wale insaan ko hum polymath kehte hain. So Thomas Brown was an English polymath and author of varied works which reveal his wide learning in diverse fielding, include science, medicine, religion and esoteric. तो जो थॉमस ब्राउन थे उन्होंने साइंस में, मेडिकल में, इवन उन्होंने मेडिकल से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क लिखा था, रिलीजियो मेडिसी, जो कि उनका काफ़ी रिनाउंड वर्क हुआ था. तो उनकी जो राइटिंग हैं, दे डिस्प्ले अ डीप क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स द नेचुरल वर्ल्ड विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय साइंटिफिक रेवोल्यूशन ऑफ बेकोनियन एनक्वायरी. सो जो ब्राउन्स की लिटरेरी वर्क हैं, दे हैव टेकन some classical and biblical resources as you saw in this as you see in this essay when we read it. Okay, so यहाँ पे जो थॉमस ब्राउन हैं उन्होंने बहुत क्लासिकल और बिब्लिकल सोर्सेज लिए हैं अपनी पर्सनालिटी को शो करने के लिए. एंड मोस्टली उसकी जो राइटिंग्स थी, दे आर करेक्टराइज्ड बाय विट एंड सटल ह्यूमर. उसका जो लिटरेरी स्टाइल था वो सबसे अलग था. उसका जॉनर इज़ क्वाइट रिच एंड यूनिक प्रोज के साथ वो लिखते थे. सो बट हिज राइटिंग इज सफ्यूज्ड विद मेलनकोली. मेलनकोली इज कुछ उसकी जो बातें थी वो उदासी से भरी हुई थी. नाउ आई डोंट हैव पीडीएफ और बुक ऑफ इट, सो आई थॉट मैं लैपटॉप से पढ़ाऊंगी आपको. ओके. हाफ आवर डेज वी पास इन द शेडो ऑफ अर्थ एंड ब्रदर ऑफ डेथ एग्जैक्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. तो सबसे पहले वो क्या कहता है कि देखो, हमारी जो समय है, हमारा जो जीवन है, उसके आधे से ज़्यादा दिन हम इस धरती की छाया में ही बिताते हैं. एंड द ब्रदर ऑफ डेथ एग्जैक्ट अ थर्ड पार्ट ऑफ आवर लाइफ. और हमारी ज़िंदगी का जो तीसरा पार्ट है वो क्या है? वो है मौत. ठीक है, हमारी ज़िंदगी का जो तीसरा पार्ट है वो क्या है? मौत है. तो अगर आपने जॉन डन की पोयम पढ़ी हो तो उससे हमें साफ साफ पता चलता है कि जॉन डन किस तरीके से कहते हैं कि जो आपकी स्लीप है, स्लीप इज़ अ पार्ट ऑफ डेथ. और जो डेथ है, डेथ कोई बहुत माइटी नहीं है, लोग उससे डरते हैं, बट इट शुड नॉट बी प्राउड ऑन हर सेल्फ. डेथ इज़ अ स्लेव ऑफ किंग्स, ओपियम एंड और हर उस बुरी चीज़ की वो अधीन है जो भी, जिससे भी हमें मौत मिलती है. तो मौत जो है, डेथ जो है, वो बहुत पावरफुल नहीं है. इट इज़ नॉट माइटी एंड इट शुड नॉट बी प्राउड ऑन हर सेल्फ. ठीक है, तो जॉन डन ने कुछ एक ऐसी लाइनें कही हैं. तो वो कहता है कि जो डेथ है, डेथ इज़ अ ब्रदर ऑफ आर इज़ द ब्रदर ऑफ आर लाइव्स. ठीक है, द ब्रदर ऑफ डेथ एग्जैक्ट अ थर्ड पार्ट ऑफ लाइफ. हमारे जीवन का जो तीसरा हिस्सा है वो डेथ है. देन वो कहता है कि अ पार्ट ऑफ आर स्लीप्स इज पीस्ड आउट विद विजन्स एंड फैंटास्टिकल ऑब्जेक्ट्स वेयर इन वी आर. तो कहता है कि हमारी ज़िंदगी की, हमारी नींद का एक जो अच्छा पार्ट है वो किसके साथ गुजरता है? विजन्स के साथ. जब भी हम सोते हैं हमें ड्रीम्स दिखाई देते हैं और कुछ एक ऐसे फैंटास्टिकल ऑब्जेक्ट जहाँ पर वी आर कन्फेसली डिसीव्ड, या फिर कुछ हमें ऐसे भूत प्रेत वाले फैंटास्टिकल, यहाँ पर क्या है, भूत प्रेत वाले ऐसे ऑब्जेक्ट दिखते हैं जिनको देखकर हम बस अपने आप मृत्यु की तरफ अपने आप को जाता हुआ देखते हैं. द डे सप्लाइड अस विद ट्रुथ. जो दिन है वो हमें किससे, पूरा दिन जो है हम अलग अलग कठिनाइयों से फेस करते हैं, तो दिन में हम ट्रुथ को सप्लाई करते हैं और रात में वो
जो ड्रीम्स आते हैं वो हमें किस दुनिया में लेकर जाते हैं, फिक्शन, काल्पनिक दुनिया में लेकर जाते हैं, फॉल्सहुड की तरफ लेकर जाते हैं। तो डे जो है वो किसके साथ सप्लाई होता है विद ट्रूथ, और नाइट जो है वो किसके साथ सप्लाई होता है विद फिक्शन एंड फॉल्सहुड, विच अनकम्फर्टेबली डिवाइड द नेचुरल अकाउंट ऑफ आर बींग्स, जो कि हमें एक हमारी हमारी जो जिंदगी है उसे अनकम्फर्टेबली तरीके से डिवाइड कर देता है, कि दिन में हम जो हैं सच्चाई से कन्फ्रंट कर रहे हैं तो रात को जो हैं हम एक काल्पनिक दुनिया से, एक फिक्शन, एक इमेजनरी दुनिया से कन्फ्रंट कर रहे हैं। देयरफॉर हैविंग पास द डे इन सोबर लेबर्स एंड रैशनल इंक्वायरीज ऑफ ट्रूथ, तो थॉमस ब्राउन कहते हैं कि देखो अगर आप दिन को जो है काफ़ी मेहनत करके काफ़ी रैशनल इंक्वायरीज ऑफ ट्रूथ के साथ अगर आप बिताओगे तो वी आर फेन टू बी टेक आवर सेल्फ ऑन टू सच अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर इन सोबरेस्ट हेड हैव एक्टेड ऑल द मॉन्स्टेरिटीज ऑफ मेलनकली। अगर हम दिन को अच्छे लेबर के साथ बिताते हैं, अगर हम दिन को अच्छी मेहनत, कड़ी मेहनत के साथ और सच्चाई के साथ बिताते हैं तो उसी तरीके के हमें सपने आते हैं, हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो है वो उसी तरीके का हो जाएगा, हमें अच्छे अच्छे हमारा हेड जो है वो सोबरेस थॉट से मिला होगा, और जो जितने भी बुरे ख्याल, जितने भी मॉन्स्ट्रस ख्याल होंगे ऑफ मेलनकली के, उदासी के, वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा, उनको हावी नहीं होने देगा। विच अर्न टू ओपन आइज आर नो बेटर देन फॉली और मैडनेस, क्योंकि ये जो मेलनकली का कंसेप्ट है, जब हमारा माइंड उदासी से भरा होता है तो हमारे अंदर बुरे विचार आते हैं, और वो कहता है कि अगर खुली आंखों से आप बुराई देख रहे हो, मैडनेस देख रहे हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर एक उदासी वाली फीलिंग्स को भरेगा और कुछ नहीं। इसीलिए थॉमस ब्राउन कहते हैं कि आपके ड्रीम बेस करते हैं कि आप किस तरीके से सोच रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हो। इफ़ यू आर रैशनल इन योर थिंकिंग योर माइंड विल बी सोबरेस्ट, इफ यू आर मॉन्स्टर इन योर फीलिंग्स, इफ यू हैव फॉली और मैडनेस इन योर फीलिंग्स, तो यू विल फेस द मॉन्स्टरिटीज ऑफ मेलनकली। ओके, नाउ इन द सेकेंड पैराग्राफ वॉट ही वॉन्ट्स टू से, वॉट ही वॉन्ट्स टू कन्वे इज Happy are they that go to bed with grave music like Pythagoras. Pythagoras, I hope you all heard about the name of Pythagoras who made Pythagoras theorems. तो कहते हैं कि देखो कितने खुश हैं वो लोग जो कि इस ग्रेव म्यूजिक, ग्रेव म्यूजिक इज पाइथागोरस का कोई जैज म्यूजिक नहीं है, कोई शोर वाला म्यूजिक नहीं है, बहुत आराम से बहुत प्यारा सा म्यूजिक है जो कि किसकी तरफ लेके जाता है, आपको सपनों की तरफ लेकर जाता है, आपको सुलाता है। तो कहता है वो लोग बड़े खुश हैं, बड़े अच्छे मिजाज के होते हैं जो लोग पाइथागोरस की ग्रेव म्यूजिक के साथ अपने बेड पर सोने के लिए जाते हैं, एंड हैव वेज टू कंपोज द फैंटास्टिकल स्प्रिट, और उनके वो एक तरीके से एक रास्ते खोज लेते हैं कि किस तरीके से उन्हें पाइथागोरस स्प्रिट को अपने सपनों में खोजना है। Whose unruly wandering takes off inward sleep, और अब उनकी जो wanderings हैं, जो wanderings पूरी नहीं हुई हैं, वो उन्हें उन wanderings को वो अपने सपनों में पूरा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में क्या घूम रहा है, पाइथागोरस घूम रहा है, और उन पाइथागोरस की सपनों को वो रात को लेगा। फीलिंग आर हैड विद, और वो कहता है कि पाइथागोरस के बारे में सोचो, सेंट एंथनीज की विजन लो, सेंट एंथनी इज अगेन अ बिब्लिकल रेफरेंस, ड्रीम ऑफ लिपारा, लिपारा इज अ नेम ऑफ अ माउंटेन, तो कहता है ड्रीम्स ऑफ लिपारा के बारे में सोचो। तो कहता है वर्चुअस थॉट्स अगर आप पूरे दिन में लोगे तो वो आपके लिए गुड ट्रेजर साबित होंगे फॉर द नाइट, एंड वेयर बाय द इम्प्रेशंस और इमेजनरी फॉर्म्स अराइज इन टू सोबर सिमिलिट्यूड्स। तो कहते हैं जितने अच्छे आप सपने लोगे उतने अच्छे आपको इम्प्रेशन और इमेजिनेशंस आपके सोबर निकलेंगे, समानांतर रूप से वो सोबर निकलेंगे, एक्सेप्टेबल अन टू आर स्लम्बरिंग सेल्स, जब हम सोने के लिए जाएंगे तब हम स्लम्बरिंग इज वो जब हम नींद में डूबे होंगे तो वो ख्याल हम अपने अच्छे ख्यालों को हम अपने आप में डुबो कर चलेंगे और वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल भी होंगे। प्रिपरेटरी अन टू डिवाइन इम्प्रेशंस, और फिर हमारे जो थॉट्स हैं वो डिवाइन इम्प्रेशन की तरफ हमें लेकर जाएंगे।
हेयर बाय आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक यहाँ पे उसने अभी सेंट एंथनी के एग्जाम्पल दिया, ड्रीम्स ऑफ लिपेरा का एग्जाम्पल दिया, फिर अब वो कह रहा है सोलोमन हु इज़ अ ग्रेट वॉरियर अ ग्रेट किंग, कहता है वो भी उसकी जो रातें होती थी बड़ी सुकून भरी होती थी। दस प्रिपेयर जेकॉब अगेन ही गिवन अ बिब्लिकल रेफरेंस, जो कि एक बाइबल में एक करेक्टर का नाम है, गॉड के बेटे का नाम है। तो वहाँ पे वो कहता है कि अगर आप जेकॉब को देखोगे तो वो भी एंजल्स की ड्रीम लिया करता था अपॉन अ पिलो ऑफ स्टोन, उसका जो पिलो था वो स्टोन का था, पत्थर का बेशक था, लेकिन उसे ड्रीम्स कैसे आते थे, एंजल्स के आते थे। फिर उसके बाद वो कहता है एंड द फर्स्ट स्लीप ऑफ एडम माइट बी द बेस्ट एवर एनी आफ्टर, और जो पहला ड्रीम था एडम का, क्या था वो पहला ड्रीम, कि उसके उसके लिए एक कंपेनियन होना चाहिए जो कि ईव थी। वो कहता है वो ड्रीम उसके लिए आज तक का बेस्ट ड्रीम था। तो ऑल इन ऑल इन दोनों पैराग्राफ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि इंसान के ड्रीम्स जो हैं दे आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन हिज लेबर, हिज रैशनल थिंकिंग, हिज रैशनल इंक्वायरीज ऑफ ट्रूथ। इफ दे थॉट रैशनली, इफ दे थॉट नोबली, दे कैन मेक देयर वर्क मोर, दे कैन मेक देयर ड्रीम्स मोर पीसफुली। ओके, सो दीज आर सम क्लासिकल एंड बिब्लिकल रेफरेंसेस। Now come to the next para, that there should be divine dream seems unreasonably doubted by Aristotle. Here Thomas Brown gave an example of Aristotle, as you know, Aristotle who gave a greatest theory of tragedy, how a novel